नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास चर्चा सवाल तो पूछेंगे में। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारी खास पेशकश में आज हम बात करेंगे आतिशबाजी से हुए प्रदूषण और आस्था के नाम पर खेले जाने वाले हिंगोट युद्ध की। दिवाली के दूसरे दिन प्रदेश की फिजा में एक बार फिर जहर घुला। जाहिर है बारिश होने के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी की, जिसका सीधा सीधा असर फिजा पर पड़ा और धुंध से AQI का स्तर 168 पहुंच गया। इसके अलावा आस्था और परंपरा के नाम पर दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध भी खेला जाता है, जिसमें हर साल कई लोग घायल भी होते हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन लोगों को जागरूक नहीं कर पाता। इसी पर आज करेंगे चर्चा, पर इससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। त्योहार और परंपराएं, परंपरा के तौर पर की जाती है आतिशबाजी। हिंगोट युद्ध की परंपरा क्यों? आतिशबाजी से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। फिजा में घुले जहर की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। प्रदूषण लेवल 168 AQI तक पहुंचा। शाम 6 बजे 90 AQI दर्ज की गई। धीरे धीरे AQI का स्तर बढ़ता चला गया। रविवार रात 11 बजे 111 AQI दर्ज की गई। इसके बाद देर रात तक 124 AQI का स्तर रहा। वहीं सोमवार सुबह 7 बजे आतिशबाजी की वजह से AQI का स्तर 168 पहुंच गया। दीपावली के दूसरे दिन हिंगोट युद्ध खेला जाता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को हिंगोट युद्ध की परंपरा निभाई जाती है। इस पारंपरिक युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियार हिंगोट होता है। दिवाली खुशियों का पर्व है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाइयां खिलाते हैं और आतिशबाजी भी करते हैं। प्रदेश की बात की जाए तो इस बार पहले से ही भोपाल और दमोह में प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में दिवाली के दूसरे दिन वायु प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। दिवाली से पहले सरकार की कोशिश थी जनता आतिशबाजी कम करे ताकि प्रदूषण कम हो, लेकिन सरकार की कोशिश नाकाम साबित हुई। इसका लोगों पर कोई असर नहीं दिखाई दिया। लोगों ने बारिश होने के बाद भी जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण स्तर बढ़ गया। रविवार की शाम से लेकर सोमवार सुबह तक एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल बढ़ा। राजधानी भोपाल में तो पिछली दिवाली का रिकॉर्ड तक टूट गया। और तलबे जिला प्रशासन ने जनता को जागरूक करने के लिए ये भी बताया गया था आतिशबाजी की वजह से आम जन जीवन के साथ लोगों पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद भी दिवाली की शाम 6 बजे से शुरू हुई आतिशबाजी देर रात तक चलती रही। शाम 6 बजे 90 AQI दर्ज की गई, जबकि इसके बाद AQI का स्तर बढ़ता चला गया। रविवार रात 11 बजे 111 AQI दर्ज की गई। इसके बाद देर रात 124 AQI का स्तर रहा। वहीं सोमवार सुबह 7 बजे तक आतिशबाजी की वजह से आसमान में धुंध छाई रही। धुंध से AQI का स्तर 168 पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ हर साल होने वाले हिंगोट युद्ध में कई लोग घायल होते हैं। हिंगोट युद्ध प्रेम प्रदर्शन का अजब त्योहार है, जिसमें आग के गोले बरसते हैं। ये सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन हर साल दिवाली के दूसरे दिन होने वाले हिंगोट युद्ध में कई लोग घायल भी होते हैं। इस युद्ध में तुर्रा और कलंगी दल भाग लेते हैं। दोनों दल के योद्धा आमने सामने खड़े होकर सूर्यास्त का इंतजार करते हैं और संकेत मिलते ही एक दूसरे पर जलते हुए हिंगोट बरसाना शुरू कर देते हैं। परंपरा के नाम पर खेले जाने वाले हिंगोट युद्ध में अंत में न किसी की हार होती है और न ही जीत, लेकिन कई लोग घायल जरूर होते हैं। डेस्क रिपोर्ट TNI। तो वायु प्रदूषण में फिर इस साल बढ़ोतरी दर्ज की गई और हिंगोट युद्ध जैसे जो परंपराएं हैं वो बरकरार रही। इसी सब पर करेंगे चर्चा, पर चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं पहले उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ हैं देवदत्त दुबे जी, हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका। KS तिवारी जी हैं, प्रोफेसर KS तिवारी हैं, पर्यावरणविद हैं, बहुत स्वागत है आपका। शहरयार खान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत। शुरुआत देवदत्त जी आपसे करूंगी और समझना चाहूंगी, जिस तरह वायु प्रदूषण की अगर बात की जाए, एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है, बात करें जनता की, और देखें हर साल हर बार जो दर होता है वो बढ़ता ही जाता है, जबकि बातें कई बार सामने आती हैं, जागरूकता की बात आती है, रोक की बात आती है, पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। पूरी दुनिया वैसे ही
प्रदूषण से जूझ रही है, जिस तरह से आबादी बढ़ी है, वाहन बढ़े हैं, और उसके बाद ये जो त्योहारों के नाम पर और जो आतिशबाजी की जाती है, निश्चित रूप से ये बहुत नुकसानदायक है। और भोपाल जैसे शहर में ये महसूस किया गया, जैसा आपने बताया, अस्थमा के मरीजों को बहुत दिक्कत हो गई, बच्चों को दिक्कत हो गई, बीमार लोगों को दिक्कत हो गई, जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि मंदी की बहुत चर्चा है देश में, तो मंदी के कारण शायद इस बार आतिशबाजी कम हो, लेकिन लोगों के पास जो दिखावे का और जो एक प्रदर्शन का माध्यम बन गया है आजकल, उसमें जो पैसा अनाप शनाप आता है, उसके कारण ये सब होता है। लेकिन इसमें जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होती है। खुशी मनाने के बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में, आज के दौर में, बदलते दौर में। आप जब गरीबों के साथ बच्चों को मिठाई बांट सकते थे, वृद्धाश्रम में जाके फल फूल बांट सकते थे, ऐसे बहुत सारे जो अपनी भी दिवाली खुश होते और लोगों को भी दिवाली खुशी बांटते। लेकिन ये क्या आपने आतिशबाजी की और लोगों को हफ्तों महीनों का दर्द दे गए आप, जिनको वायु प्रदूषण से बीमारियाँ हो रही हैं। मुझे लगता है कि वक्त के साथ ये सब परिवर्तन होने चाहिए। तब बहुत कम जनसंख्या हुआ, पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, लोग बहुत कम हुआ करते थे, तब ये कभी कभार ये हो जाता था उत्सव के नाम पे। लेकिन अब तो हर दिन उत्सव है मनाने के लिए, आपको हर दिन आपके लिए बहुत सारे अवसर आते हैं, तो ऐसे में त्यौहार के नाम पे मुझे लगता है कि इससे बहुत परेशानी। इतनी जागरूकता का सबने परिचय दिया, सुबह से व्हाट्सएप पे इतने मैसेज आते हैं लोगों के प्रदूषण के खिलाफ, हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करें, मुझे लगता है। लेकिन अच्छी बात है, लोग आगे सेंड कर देते हैं, उसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दुनिया जिस दौर में गुजर रही है, मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए। प्रोफेसर तिवारी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रदूषण की दर है, कुछ दिन पहले ही की अगर बात करें, जो भोपाल में जो प्रदूषण की दर थी उसको ज़्यादा बताया गया था, बावजूद इसके अगर दिवाली के दूसरे दिन की बात करें तो 168 AQI दर्ज की गई। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी पंच पर्व है और आगे भी जारी रहेगी आतिशबाजी जैसी चीज़ें, उस पर रोक भी नहीं दिखाई देती। प्रदूषण को अगर हम देखें तो कितना कुछ नुकसान लोगों को पहुँचता है, क्या कुछ परेशानियाँ लोगों को हो सकती हैं इससे? बेशक पर्यावरणीय प्रदूषण एक समस्या तो है, मूलतः ऐसा देखा जा रहा है कि विशेष रूप से जितने भी हमारे सभी धर्मों में, न केवल दिवाली या दूसरे अन्य धर्मों में जो त्यौहार होते हैं, जैसे कि हमारे मित्र ने कहा कि हमें खुशी जाहिर करने के तमाम सारे मौके होते हैं, ये उनमें से एक तरीका है खुशी जाहिर करने का। दिवाली पर आतिशबाजी की परंपरा इस देश में और दुनिया में भी हजारों वर्षों से रही है, लेकिन अब जिस तरह से प्रकृति का विनाश हो रहा है, जंगल सिमट रहे हैं, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, प्रदूषक बढ़ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस पर बार बार बात हो रही है, आपने अभी कहा भोपाल का AQI 168 तक पहुंच चुका है। मैं बताना चाहूँगा दिल्ली में यही AQI 1000 तक पहुँच चुका है अभी कल के दिन। तो ये स्थिति न सिर्फ भोपाल में बल्कि पूरे देश में और कुछ दुनिया के कुछ हिस्सों में लगातार बदतर हो रही है। मेरा यहाँ फिर से मानना है कि दिवाली का जो पोल्यूशन है, या जो पटाखों का या फुलझड़ियों का या जो और भी तमाम सारे आतिशबाजी के उपकरण हैं, उनके जरिए शायद 3 या 4 या 5 दिन या एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। हमारे इर्द गिर्द जो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन है, कच्ची खुली सड़कें हैं, फैक्ट्रीज का धुआं है, जनरेटर से जलने से जो धुआं निकलता है वो है, और भी पराली जलाने से या जो नरवाई जलाने से जो धुआं निकलता है, कचरा जलाने से जो धुआं निकलता है, डस्ट है, इसके बहुत ज़्यादा इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, कार्बन के पार्टिकल हैं, कार्बन मोनोक्साइड है, और धरती के निचली सतह पर ओजोन के जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, ये मिलके किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे भोपाल हो, नागपुर हो, दिल्ली हो, त्रिवेंद्रम हो, पुणे हो, सब जगह एयर क्वालिटी लगातार बदतर हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इससे उपजने वाले जो स्वास्थ्य के खतरे हैं उन पर निगरानी के लिए एक निश्चित रूप से कड़े प्रयास करने पड़ेंगे। कुछ हमें मॉनिटरिंग एजेंसीज तय करनी पड़ेंगी, कुछ मापदंड तय करने पड़ेंगे, अन्यथा जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ब्रोंकाइटिस है, अस्थमा है, एलर्जी है, या दूसरे जो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ तक कि किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी इससे डेवलप होती हैं इनडायरेक्टली, तो इन सब एग्रीवेट होंगी, बदतर होंगी, तो इनसे निपटने के लिए
मैं समझता हूँ दिवाली के अलावा, दिवाली तो ठीक है दो चार छह दिन का ये आपका पोल्यूशन है, लेकिन साल भर जो पोल्यूशन हम करते हैं, ठंड के दिनों में जरूर है कि ठंड के दिनों में हवा भारी होती है, नमी होती है, इन्वर्शन होता है, बहुत सारे और भी कारण हैं जिनके कारण से ये स्थिति बदतर हो जाती है। शहरयार खान जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह देखा जाता है कि जब जिस पार्टी की सरकार होती है, जाहिर है उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, और आपकी सरकार है फिलहाल मध्य प्रदेश में, तो जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है, और शासन प्रशासन की अगर बात करें, कोशिश तो हर बार देखी जाती है उनकी तरफ से, पर नतीजा कुछ दिखाई नहीं देता। इस बार भी देखा गया है कि देर रात तक आतिशबाजी होती रही, सुबह होते ही और शुरू हो गई, और अगर आज की बात करें फिलहाल, जैसा कि हम डिबेट कर रहे हैं, हमें अभी कानों में हमारे तक आवाज़ आ रही है आतिशबाजी। देखिए नुसरत जी, जो मेरे साथी विद्वान तो पत्रकार और अपने पर्यावरणविद तिवारी जी जो बात बोल रहे हैं, उसी बात से मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचता हूं, चाहे सरकारें किसी की भी हो, चाहे पॉलिसी कुछ भी हो, चाहे कोर्ट के आदेश हो, उसकी अवहेलना हम स्वयं खुद करते हैं, और जब तक सेल्फ अवेयरनेस हम में नहीं आएगी तो निश्चित ही ये चीज़ का मेरे को नहीं लगता कि बहुत दूर तक भी कोई सलूशन हमको दिखता है। क्योंकि रात में अगर आप 12 बजे या 1 बजे या पोल्यूशन बम पटाखों का अभी दिवाली के टाइम का ले लें, तो निजी जीवन में हम रोज़ ऐसा पोल्यूशन को बढ़ाने में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अनदेखी करते हैं। तो टोटल में जो चीज़ का निष्कर्ष निकलता है, जब तक हम में सेल्फ अवेयरनेस खुद अपने परिवार में, अपने अंदर, अपने आसपास के समाज में नहीं फैलाएंगे, जैसे हमारे पत्रकार साथी ने बोला कि व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे तो ज़रूर हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन अपने निजी जीवन में हम इसको आत्मसात ना कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी वजह है। सरकार की कोशिश समय समय पर, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो, अवेयरनेस के लिए सख्ती भी तो की जा सकती है, कुछ सख्ती भी ऐसी होनी चाहिए ताकि इबरत तो ले। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्योंकि ये समय आ चुका है कि दिवाली का ये 6-8 दिन को भी हटा दें तो हम बाकी 355-60 दिन में भी हम उसी दिशा में कहीं ना कहीं सहयोगी होते हैं। तो उसके लिए सख्त से सख्त कुछ गाइडलाइन बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, जिससे कि ये एक हमारे अंदर डर पैदा हो कि अगर हमारे द्वारा या हमारे परिवार के द्वारा ये पोल्यूशन में अगर भागीदार होते हैं तो हमको ये फाइन या हमारे को ये पनिशमेंट मिलेगा। जब तक ये डर नहीं आएगा तो निश्चित ही मानिए कि ये समस्या डे बाय डे बढ़नी है। ये दिवाली या त्योहारों की बात नहीं है, ये हमारे दिनचर्या के अंदर एक हमको डर आना चाहिए कि हमको अपनी तरफ से कम इसको कम करने में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि पिछले साल से इस बार की जो प्रदूषण, वायु दर जो प्रदूषण है, उसकी जो दर्ज की गई है वो ज्यादा है, जबकि बारिश हो रही थी बावजूद इसके। कल पूरा दिन बारिश हुई है भोपाल में, इसके बाद भी अगर इस तरह की आतिशबाजी हुई, इस पर रोक नहीं लगी तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। देवदत्त जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह प्रदूषण की बात कर रहे हैं, एक हिंगोट युद्ध भी काफी प्रचलित है, परंपराएं आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, उसको लेकर भी देखा गया है कि हर बार कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाएं सामने आती है इसको लेकर, फिर भी इस तरह की जो चीज़ें उस पर किसी तरह की रोक लगती दिखाई नहीं दी अब तक। आपने सही कहा जी, इस तरह की जो आज परंपराएं देखने को मिलती हैं आधुनिक समाज में, वो किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। ये हिंगोट के अलावा आप देखेंगे छिंदवाड़ा इलाके में गोटमार मेला होता है, कहीं लोग लेट जाते हैं, ऊपर से गाय बैल को निकालते हैं, मतलब ये जो परंपरा के नाम पर जो लोग अभी भी अंधविश्वास में जी रहे या जो परंपरा निभा रहे, उससे क्या कहना चाहते। जो हिंगोट के जो वो गोले छूटते हैं, वो यदि किसी की आँख में जाए तो आँख तो जीवन भर के लिए चली जाए, जबकि आँख कितनी अमूल्य चीज़ है शरीर के लिए, किसी भी शरीर को कैसा भी नुकसान वो पहुंचा सकते। और आज मैंने कुछ विजुअल देखे थे तो बड़ा भीभत्स लगा वो, कि ऐसे कैसे लोग करते हैं, समझदार लोग। और शासन प्रशासन भी कहता है नहीं होना चाहिए और फिर होते हैं, गाड़ियां आसपास दिखाई देती हैं, जैसे ही गाड़ियां हटती हैं दोबारा फिर शुरू हो जाता है जी। नहीं, आप एम्बुलेंस की वहाँ व्यवस्था करते हो, मतलब आपको मालूम है कि ये हो रहा है और इसमें घायल भी हो सकते हैं, तो आप एम्बुलेंस खड़ी करते हैं, लेकिन पुलिस पहले रोक नहीं पाती इनको। तो इन चीजों को वाकई में समाज में जागृति आना चाहिए, शासन प्रशासन सख्त रवैया अपनाना चाहिए कि इस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं, अब आज की दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम उसी परंपरा में जी रहे। मैंने इसमें सर्च भी की तो कोई ऐसी कहानी भी नहीं आती, ऐसी कोई सिद्ध कोई चीज़ भी नहीं होती कि इससे फ़ायदा होगा।
कीवन नुकसान के। आज ही मुझे पता चला वहाँ इंदौर के पास जो हुआ है उसमें 10 लोग घायल हुए। तो आप बताइए, एक तो आप और हम जीवन बचाने के लिए कितना संभल के चलते हैं सड़क पे कि एक्सीडेंट ना हो जाए, और दूसरे लोग जी आबेल मुझे मार की स्थिति बनाते हैं, तो और इससे हम आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या ऐसे ही हम उसको सिखाते जाएंगे? आप बताइए, यदि सती प्रथा पर उस समय नहीं लगा होता ब्राह्म तो आज क्या स्थिति होती? जो 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 हमने कुरूतियाँ हैं जो धीरे धीरे हमारे महापुरुषों ने उस पर अध्ययन किया और जो केवल कुरूति के नाम पर चीज़ें होती थी उन पर ब्राह्म लगाया गया, इसमें किसी भी उसको बहुत खुले मन से आना चाहिए इन सब चीज़ों में। हम फायदे की हर चीज़ करें ना, बेशक पूजा पाठ करें, हम लोगों के दया भाव रखें, करुणा रखें, सत्य बोलें, प्रेम से व्यवहार करें, ये तो मानव जीवन के लक्षण हो सकते हैं कि मदद करें, लेकिन ये कौन सी परंपरा, इससे किसका भला हो रहा है कि दो गाँव के बीच युद्ध, मुझे लगता है कि वो कोई दुश्मनी सी फिर साल भर रहती होगी, इस बार एक गाँव जीता अगली बार हम और जीतेंगे, और वो बोरियों भर के इंतजाम करते हैं, उसमें जीत हार भी कहीं दर्ज नहीं होती जी, ऐसी चीजें भी है सामने की कहीं जीत हार कोई दर्ज नहीं की। भारतीय या हिंदू परंपरा तो इतनी समृद्ध रही है कि हम सामने वाले की जीत में अपनी जीत समझते हैं, सामने वाले की हार में अपनी हार समझते हैं, तो इसमें क्यों जीत के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा हो? आपको इतने जीतने का जुनून है तो आप खेल खेलिए, क्रिकेट में आइए, हॉकी में आइए, फुटबॉल में आइए, कबड्डी में आइए, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें देश को आप मेडल लाइए और खुद और परिवार के लिए भी गौरव के क्षण प्राप्त करिए। युवाओं को मैंने देखा है आज जिस तरह से खेलते हुए, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे लोग अभी भी उस जीवन में जी रहे हैं। अब तो बहुत हमें आगे जाना है और हमें वो कोई काम नहीं करना है कि जो हम आने वाली पीढ़ी हमारे उसके लिए परेशान हो, घायल हो, हमें तो बचाने का प्रयास करना है। तो मुझे लगता है इसमें शासन प्रशासन को भी सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और उस स्थान पर मैडम आपको बताएं वहाँ कवि सम्मेलन होता है फिर रात में, आप बताइए, तो कवि सम्मेलन दिन में ही शुरू करो ना, इस पे ही कविताएं होनी चाहिए। बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें तो वो भी पहुंचते हैं इस तरह के कार्यक्रम में, शामिल होते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना को न्योता देते हैं, फिर भी इस पर रोक अब तक नहीं लगाया जा सका। जबकि आधुनिकता की बात करते हैं हम, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इस तरह की चीज़ों पर लगाम नहीं लगा पाते। प्रोफेसर साहब, आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि शहरयार जी ने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, उसको समझना होगा तभी बचाव होगा, हम ये समझना चाहेंगे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या लगता है किस तरह का जागरूक कार्यक्रम होना चाहिए जिससे लोग कुछ तो जागे? देखिए, ये एक सामूहिक भागीदारी वाला मुद्दा है। पर्यावरण और ख़ासतौर से जो एयर पोल्यूशन का मामला है जिससे कि तमाम सारे रोग पनप रहे हैं और जिन संख्या बढ़ रही है, एक आरटीओ स्क्लेरोसिस बीमारी हो रही है आजकल जो कि शरीर में होती है, जिससे कार्डिक प्रॉब्लम होती है और डेथ होती है। मेरा यह मानना है कि अवेयरनेस के अलावा बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर शासन को भी समाज को भी एक साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे एक ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा विषय है। भोपाल नगर में आप देखें तो मेरा अंदाज है कि 8 लाख वाहन करीब यहाँ रजिस्टर्ड हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, और ये सभी, मुझे लगता है इसके 60% जो वाहन हैं वो पुराने मॉडल्स के हैं, जो BS2 या BS3 मॉडल के हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार चाहता है कि हम जुलाई 2020 के पहले नहीं, अप्रैल 2020 तक सभी ऑटोमोबाइल वाहनों को BS6 मॉडल में कन्वर्ट कर दें। ऑटोमोबाइल कंपनी भी अगर ये ऐसा करती हैं, जो कि एक आवश्यक निर्देश है, एक रूल है कि जीवन किसी भी व्यवसाय से बड़ा है, तो अगर जीवन हमारा पहला मुद्दा है, प्राथमिक है, महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। दूसरा, हमारे किसान भाई नॉर्थ इंडिया में खासतौर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जो खेतों का वेस्ट है, जलाने की परंपरा चलती रही है, उससे बहुत बदतर क्वालिटी होती है। सरकारें कुछ चाहिए कि वो इस पर कहीं ना कहीं एक कोई नियम बनाए, कानून बनाए, इस पर रोक लगाएं, और किसानों को अगर हो सके तो इंसेंटिव दें और इस वेस्ट को रिसाइकिल करके कुछ इसके दूसरे उपयोग किए जाएं। इसके अलावा भी जो दूसरे बहुत सारे एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, माध्यम हैं, तरीके हैं, उन पर भी हमें कहीं ना कहीं निगरानी और रोक लगा के मैं समझता हूं आने वाले महीनों में, दिनों में, वर्षों में एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। एक और जो चिंता का विषय है, हमारे जंगल घट रहे हैं। जंगल क्या है, पोल्यूशन को सोखने का बड़ा काम करते थे, जो कभी 33% हुआ करते थे, आज 20-21% है। तो 12-13% जंगल कटने का मतलब है, और इधर कई गुना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ा है। जो पोल्यूशन सोखते थे
तो पोल्यूशन सोखने वाला जो सोखता था वो खत्म हो गया, हो रहा है, तो इधर भी हमें ध्यान होगा। तो चौतरफा जागरूकता, सरकारी प्रयास, मॉनिटरिंग और पोल्यूशन कम करने के जो तरीके हैं उन पर हमें एक साथ काम करना होगा, तब जाके शायद हम आने वाले कुछ महीनों में या वर्षों में पोल्यूशन पर चेक लगा पाएंगे। शहरयार जी, जैसा कि देवदत्त जी ने बताया कि जो हिंगोट युद्ध की हम बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी नुकसान लोगों को होता है, जो घायल होते हैं लोग, चोट पहुंचती है, कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी की जो बात की वो एक सॉलिड फल है जिसको काफ़ी भारी बोला जाता है, हिंगोट जो फल है उसमें पूरी तरह बारूद भर दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ये तो समझ में ही आती सीधी चीज़ कि कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है, बावजूद इसके शासन प्रशासन इस पर रोक नहीं लगाता। जैसा कि अभी बताया उन्होंने कि जो इंदौर में खेला गया उसमें कई लोग घायल भी हुए। देखिए वही बात जो देवधर जी बता रहे हैं, ये आस्था के नाम पे, परंपरा के नाम पे जो ये चीज़ें होती हैं, चाहे इंदौर वाला हो या छिंदवाड़ा हो या गुजरात में अमरेली है, मैं आज रिपोर्ट देख रहा था तो अमरेली में भी इस टाइप का पिछले 70 साल से चल रहा है ये, तो इसमें बड़ी संख्या में वो युवा ही सक्रिय रहते हैं जो आस्था के नाम, परंपरा के नाम पे, लेकिन देवधर जी बता रहे हैं उसका कोई पीछे से ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है कि कोई उसका लॉजिक हो उसको खेलने का, लेकिन क्योंकि ये युवा हैं, सेलिब्रेशन का टाइम है, मस्ती का टाइम है, तो अपने परंपरा के नाम पे ऐसे जानलेवा खेल खेल रहे हैं जिससे तो कि उनको अज्ञानता दूर करने बिल्कुल, के लिए बिल्कुल तो कुछ उसमें अवेयरनेस भी, और समाज के वो बड़े बुजुर्ग जिनके सानिध्य में ये चीज़ें परंपराएं आगे बढ़ती हैं, जिनका संरक्षण रहता है, तो उनको भी इस चीज़ को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, एक साल में नहीं धीरे धीरे इसको कम करें, और उसके जो बहवा परिणाम होते हैं जिससे कि मैंने देखा कि आज का जैसे देवधर जी बता रहे हैं पिछले 2-3 साल से मैं वॉच आउट कर रहा हूँ उसमें हर साल 15-20 लोग आँख की इंजरी से घायल होते हैं, तो आँख अगर उनके जीवन की रोशनी जा रही है इतने खेल से, खतरनाक खेल से, तो निश्चित ही वो उसका जो दुष्परिणाम है उनका परिवार भुगतेगा, वो खेल की परंपरा हो गई, वो शायद अगले साल ना खेले लेकिन उसके परिणाम उसको ज़िंदगी भर परिवार को भी और उनके बच्चों को भी उठाना पड़ेंगे, तो इस टाइप की कुछ सकारात्मक कदम उठा के उनको समझाइश दे के समाज के बड़े बुजुर्ग और प्रशासन उसकी जगह, जैसे वहाँ पर बताते हैं कि मुशायरा भी होता है या कवि सम्मेलन होता है, तो ऐसे कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाए, सेलिब्रेशन का मज़ा भी उनका बना रहे और ऐसे जानलेवा खेलों से समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं पहले की वो ख़त्म की जा सकें और नई दिशा में आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, त्यौहार की जो परंपराएं हैं वो खुशियों के लिए हैं ना कि दुख के लिए, तो अपनी खुशियां बरकरार रखें और देखें समझें कि कहाँ क्या चीज़ें हमको नुकसान पहुंचा सकती हैं उसके हिसाब से चीज़ें करें। चलिए, आप तीनों का हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारी इस चर्चा में बस इतना ही, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहें DNN के साथ।